I bet you didn't know about the world's most dangerous island. ब्राज़ील के समुद्र में अटलांटिक में एक हीरा चमकता है। यह समुद्र अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इल्हा दा किमादा ग्रांडे, एक द्वीप स्वर्ग जो अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है। हरे भरे जंगल, सफेद रेतीले समुद्र तट, यह दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं है। समुद्र से उठती चट्टानी चट्टाने यह द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाती हैं। लेकिन इस खूबसूरती को देखकर मूर्ख मत बनो, यहाँ खतरे छुपे हुए हैं। इस द्वीप में एक खतरनाक रहस्य छुपा है। यह रहस्य इसे और भी रहस्यमय बनाता है। आपको यह द्वीप किसी पर्यटन मानचित्र पर नहीं मिलेगा। यह एकांत में स्थित है। यहाँ कोई आलीशान रिसोर्ट नहीं है। यह द्वीप पूरी तरह से निर्जन है, कोई हलचल भरी भीड़ नहीं। यह द्वीप शांति और सन्नाटे से भरा है। यह द्वीप जनता के लिए बंद है। यहाँ प्रवेश निषेध है, और अच्छे कारण के लिए। यहाँ खतरे हर कोने में छुपे हैं। यह जगह खतरनाक है, बेहद खतरनाक। यहाँ की हरियाली के पीछे छुपे हैं जानलेवा खतरे। इस द्वीप को इतना खतरनाक क्या बनाता है? इसका उत्तर सरल है, सांप, और कोई भी सांप नहीं। इल्हा दा किमादा ग्रांडे हजारों जहरीले सांपों का घर है। वे इस द्वीप पर राज करते हैं, इंसानों का स्वागत नहीं है। यहां आपका हर कदम आपका आखिरी हो सकता है। जमीन सांपों से रेंगती है, उनके शल्क पत्तों से मिलते जुलते हैं। आप उन्हें आते हुए देख भी नहीं पाएंगे, एक बार काटने से जान जा सकती है। स्नेक आइलैंड का सबसे खतरनाक निवासी गोल्डन लांस हेड वाइपर है। यह सांप केवल इस द्वीप पर पाया जाता है और इसकी संख्या बहुत कम है। इसके सुनहरे शल्क इसे एकदम सही छलावरण देते हैं। यह अपने शिकार को धोखा देने में माहिर है। इसका जहर बहुत ही खतरनाक होता है। यह जहर शिकार को तुरंत मार सकता है और इंसानों के लिए भी जानलेवा है। यह इंसान के मांस को भी गला सकता है। इसके जहर का असर बहुत तेजी से होता है। ये सांप अपने द्वीप के घर के हिसाब से पूरी तरह से ढल चुके हैं। वे अपने वातावरण में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। वे पक्षियों का शिकार करने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं। उनकी चढ़ने की क्षमता अद्भुत है। वे जंगल के फर्श पर इंतजार में लेटे रहते हैं। उनका धैर्य और छलावरण उन्हें एक कुशल शिकारी बनाता है। कहीं भी उनके घातक प्रहार से सुरक्षित नहीं है। उनका हमला तेज और घातक होता है। भाग 4, सर्प द्वीप के किस्से और कहानियां। सांपों के इस द्वीप के बारे में कहानियां बहुत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्री डाकू उन्हें अपने दबे हुए खजाने की रक्षा के लिए यहां लाए थे। दूसरों का कहना है कि एक जहाज के टूटने से सांप फंस गए, जिससे वे गुणा हो गए और हावी हो गए। सच्चाई द्वीप की तरह रहस्य में डूबी हुई है, लेकिन एक बात तो तय है, सांप यहां रहने के लिए हैं। भाग 5, वापसी न होने का द्वीप। लोगों ने स्नेक आइलैंड पर पैर रखने की हिम्मत की है। तूफानों से आश्रय की तलाश में मछुआरे, सोने के किंवदंतियों से आकर्षित खजाना शिकारी, लेकिन बहुत कम लोग ही इस कहानी को बताने के लिए जीवित रहे। एक लाइट हाउस कीपर और उसके परिवार की कहानियां हैं। उन्होंने यहां जीवन बनाने की कोशिश की, लेकिन सांपों ने उन्हें ढूंढ लिया। उनका भाग्य द्वीप की शक्ति की एक गंभीर याद दिलाता है। भाग 6, विज्ञान के लिए एक स्वर्ग, मनुष्य के लिए एक चेतावनी। आज स्नेक आइलैंड जनता के लिए वर्जित है। यह द्वीप इतना खतरनाक है कि यहां कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। केवल वैज्ञानिक और ब्राजीलियाई नौसेना ही यहां आने की हिम्मत करते हैं। वे विशेष सुरक्षा उपकरण पहनकर आते हैं। वे सांपों का अध्ययन करते हैं। वे उनसे सीखते हैं, उनके विष और व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। यह द्वीप एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यहां के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है।
इसमें ऐसे रहस्य हैं जो जान बचा सकते हैं। वैज्ञानिक यहाँ नई दवाओं और उपचारों की खोज करते हैं, लेकिन यह एक कठोर चेतावनी भी देता है। प्रकृति शक्तिशाली है और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और कुछ जगहों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। यह द्वीप हमें याद दिलाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। स्नेक आइलैंड उन जगहों में से एक है। यह एक अद्वितीय स्थान है जो हमें विज्ञान और प्रकृति के बीच संतुलन सिखाता है।